गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर टू वर्णमाला स्वर वर्ण यानी वर्णमाला में स्वर वर्ण पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर टू संस्कृत में चैप्टर टू वर्णमाला स्वर वर्ण पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग अपना अपना चैप्टर ओपन कीजिए बच्चों। स्वर वर्ण वर्णमाला में देखिए स्वर और व्यंजन बता चुके हैं ना, हिंदी में हिंदी भाषा में मैंने आपको बताया है कि वर्णमाला में दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर दूसरा होता है व्यंजन। तो स्वरों की संख्या बच्चों कितनी होती है 11 और व्यंजन दूसरा भाग जो होता है व्यंजन उसकी संख्या कितनी होती है 33। तो आज आपको इस चैप्टर में स्वरों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ओके। इसलिए आप लोग अपना अपना चैप्टर ओपन करके स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें छोटा आ बड़ा आ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ ऋषि ए ऐ ओ औ अं इस तरह से आपके पूरे कंप्लीट स्वर हो गए। इसके आगे हम देखेंगे इन स्वरों से कौन कौन से शब्द बनते हैं, संस्कृत में इन स्वरों से कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो छोटा आ से हम क्या पढ़ेंगे संस्कृत में, छोटा आ से अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा ओके। बड़ा से आम्रम, आपकी बुक में भी लिखा है आम्रम, आम्रम मीन्स आम। छोटी से इच्छु, इच्छु मीन्स क्या होता है बच्चों, इच्छु मीन्स ईंट ओके। और बड़ी से होगा ईश्वर, बड़ी से ईश्वर, ईश्वर मीन्स प्रभु। छोटा उसे उल्लूगा, उल्लूगा मीन्स उल्लू, छोटा उसे उल्लूगा, उल्लूगा मीन्स उल्लू। इसी तरह बड़ा उसे उड़ी, उड़ी जानते हो उड़ी मीन्स क्या होगा ऊन, उड़ी मीन्स ऊन। और ऋषि से ऋषि मीन्स रिच्छा, तो रिच्छा मीन्स रीच, भालू जानते हो ना रीच, रिच्छा मीन्स रीच। ए से होगा एसरा, एसरा मीन्स तीर, एसरा मीन्स क्या होगा तीर ओके। ए से एसरा, एसरा मीन्स तीर। ऐसे ऐरावत, ऐरावत मीन्स हाथी। ओ से ओका, ओका मीन्स होगा घर, ओ से ओका, ओका मीन्स घर। औ से होगा औ से औषधालय ओके, औषधम औषधालय औषधम। औ से औषधम, औषधम मीन्स दवा, औ से औषधम औषधम मीन्स दवा। अंग से अंशुमान, अंग से अंशुमान, अंशुमान मीन्स सूर्य ओके। इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है चैप्टर टू कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर को दोबारा जो स्वर वर्ण है स्वर वर्ण को हम पढ़ेंगे और उनसे बनने वाले उन वर्णों से बनने वाले शब्दों को याद करेंगे ओके।